हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और हम एक सेगमेंट लेकर आए हैं बुक्स आई हैव रेड, जो किताबें मैंने पढ़ी हैं और जो आपके काम की हैं, उन पुस्तकों के बारे में हम बात करते हैं श्रृंखला में। लगातार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर, एक विषय को पढ़ने के लिए, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, या भारत का संविधान है, या सीपीसी है, इनको पढ़ने के लिए कौन सी पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा स्टूडेंट लगातार पूछते रहते हैं मेल के माध्यम से और साथ ही कमेंट बॉक्स में। एक बात तो पहले बता दूं, आप सब जिस तरह से जुड़े हुए हैं और आपका जितना अपार स्नेह है इस चैनल को और मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, थैंक यू वेरी मच। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेटेड किताबों के बारे में। साक्ष्य विधि को समझने के लिए कौन सी किताबें महत्वपूर्ण हैं और कौन सी बातों को पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि सर, क्या आपकी लिखी हुई किताबें भी सिविल जज या पीसीएस जे के लिए आती हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये कहना कि मेरी लिखी हुई किताबें आती हैं आप पढ़ें, ये कहीं से कहीं तक सभ्यता मालूम नहीं पड़ती। इसीलिए मैं अपनी किताबों के बारे में चर्चा नहीं करता, लेकिन फिर भी हाँ, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है तो मैं बता दूं कि सिविल जज के लिए किताबें आती हैं जिसका लेखक मनमोहन जोशी या मैं नाचीज हूँ, और जहाँ पर मैं आपको कई सारे स्टूडेंट हैं जो ये किताबें पढ़ते हैं, ये मैक्सिमम जगह मिल जाएंगी। अमेजन पर आप जा करके मनमोहन जोशी आप सर्च करेंगे इन बुक सेगमेंट में, तो मेरी किताबें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा मैक्सिमम जो लॉ हाउस है वहाँ पर मैं किताबें उपलब्ध हैं। मैं एक लेक्चर लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं मेरी लिखी हुई किताबों पर हम बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ एविडेंस पर, भारतीय साक्ष्य विधि पर। तो भारतीय साक्ष्य विधि पर जो सबसे बढ़िया किताब है ये है रतनलाल धीरज लाल की द लॉ ऑफ एविडेंस। तो ये जो किताब है 24th एडिशन मेरे पास में है। डॉक्टर शकील अहमद खान जो है फॉर्मर लेक्चरर रहे हैं इस्लामा कॉलेज लखनऊ के, उन्होंने इसको एडिट किया है, इसका संपादन उन्होंने किया है, और ये पहली बार छपी थी 1916 में। ये बुक इंग्लिश एडिशन मेरे पास में है। मुझे जानकारी नहीं है कि इसका हिंदी एडिशन आता है या नहीं, लेकिन ये किताब अपने आप में बहुत ही शानदार है और बहुत डिटेल्ड में है। केस लॉज जितने चाहिए वो सब मिल जाएंगे, लेकिन ये एडिशन एडवोकेट एडिशन है, तो इतनी हैफ्टी किताब पढ़ने के लिए मैं स्टूडेंट्स को सलाह नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने लॉ ऑफ एविडेंस पर कोई बुक पहले पढ़ रखी है, आप प्रोफेसर हैं, आपने पहले से 2-3 बुक्स पढ़ रखे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो उसको और एनरिच करने के लिए आप ज़रूर ये किताब रेफर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, मैंने कहा, क्योंकि स्टूडेंट्स को आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है और परीक्षा में सफलता लेनी है। कुछ किताबें और जो स्टूडेंट्स के लिए काम की हैं, हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं, एक बहुत अच्छी किताब आती है जिसके लेखक हैं राजा राम यादव जी। तो ये राजा राम यादव जी की किताब है, और उस किताब की खास बात यह है कि भारत सरकार का जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने इस पुस्तक को पुरस्कृत किया है। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी भाषा में लिखी गई है, और ये लेटेस्ट एडिशन मेरे पास में है 11 दिसंबर 2018 की, जो आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। और पहली बार ये किताब 1974 में छपी थी 1974 में। भारतीय साक्ष्य विधि राजा राम यादव के नाम से आपको मिल जाएगी, और सेंट्रल लॉ एजेंसी जो है इसकी प्रकाशक है CLA। तो ये बहुत ही बेहतरीन किताब हिंदी वालों के लिए, तो ये स्टूडेंट्स के लिए है, आप इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो मेंस की तैयारी में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी ये किताब राजा राम यादव साहब की। कुछ किताबें मैं और आपको रेफर करूँ, डॉक्टर अवतार सिंह की ये बुक मेरे पास में है, प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस ये बुक मेरे सामने है, जो मेरे हाथ में अभी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट एडिशन इसका आया है 2018 में, जो कि 23rd एडिशन है। पहला एडिशन इसका 1977 में आया था, और इस पुस्तक की अच्छी बात है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, तो हिंदी वाले भी इसे रेफर कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी। लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि हिंदी के लिए बेहतर किताब कौन सी है, तो हिंदी वालों के लिए मैं राजा राम यादव को ही रेफर करूंगा। फिर किताबें और मेरे पास में हैं, अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो लॉ ऑफ एविडेंस में आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर वी कृष्णमाचारी को, नरेंद्र गोगिया एंड कंपनी हैदराबाद ने इसे पब्लिश किया है, और ये पुस्तक बहुत अच्छी है क्योंकि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी साहब ने इसका फॉरवर्ड लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, और ये पुस्तक जो है 1991 में पहली बार पब्लिश हुई थी, और इसका लेटेस्ट रिप्रिंट आया है 2018 का, आप ज़रूर ये किताब ले सकते हैं। डॉक्टर वी कृष्णमाचारी की किताब है ये, नरेंद्र गोगिया एंड कंपनी हैदराबाद का पब्लिकेशन है, इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है ये। फिर एक पुस्तक आती है टेक्स्ट बुक ऑन द इंडियन एविडेंस एक्ट, KD गौड़ साहब की किताब है, ये भी इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, लेकिन हिंदी वालों के लिए मैंने बताया कि राजा राम यादव साहब सफिशियंट हैं। ये जो पुस्तक है
इसके पब्लिशर हैं यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी, और आप इस पुस्तक को रेफर कर सकते हैं केडी गौड़ साहब। फिर आप पुस्तक देख सकते हैं बटुक लाल जी की, द लॉ ऑफ एविडेंस, बहुत ही चर्चित किताब है, स्टूडेंट्स के हाथ में ये दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि केडी गौड़ साहब की किताब पढ़नी है क्या, तो आप सीएलए की ये किताब है ये भी आप पढ़ सकते हैं, और डॉक्टर एस आर माइनी की किताब है द लॉ ऑफ एविडेंस की, थर्ड एडिशन इसका आया हुआ है, हैदराबाद से पब्लिश होता है ये, और एशिया लॉ हाउस हैदराबाद जो है इसके पब्लिशर हैं, इंग्लिश में ये पुस्तक है। तो ये बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने आपको चर्चा की, लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि हमको कौन सी एक किताब पढ़नी चाहिए, देखिए आपके पास बहुत सारा समय नहीं है पढ़ने के लिए। मैं तो ये किताबें इसीलिए पढ़ता हूँ, कारण ये है कि मेरी हॉबी ही पढ़ना है, फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी होती है, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर बार एक किताब जो मैंने पढ़ ली उसकी जगह एक नई किताब पढ़ूं तो नई जानकारी मिले। और साथ ही मैं ये भी कहता रहता हूं कि बेस्ट माइंड्स से बात करने का क्या तरीका है, आप उनकी लिखी हुई किताब, उनके लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ें तो आपको पता चलता है कि बुद्धिमान लोग किस तरह से सोचते हैं। आपके लिए अगर एक लाइन में मैं कहूं कौन सी किताब खरीदनी चाहिए, तो दो तरह की किताबें, हिंदी वालों के लिए राजा राम यादव की मैं बात करूंगा, और इंग्लिश वालों के लिए डॉक्टर अवतार सिंह, ये दो ही आपके लिए सफिशियंट, या इंग्लिश वाले केडी गौड़ भी रेफर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, किताबें सभी अच्छी हैं, कोई ख़राब नहीं होती, और किताबें सबसे बेहतर सबसे अच्छी मित्र होती हैं ऐसा भी कहा जाता है। तो आप इन किताबों को पढ़ें, और मैं वापस से रिपीट कर दूं कि ये जो भी बुक्स हैं ये बुक्स लीगल लैंग्वेज में हैं, इनको सरलतम भाषा में आपके लिए लाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत टाइम लेता है एक किताब लिखना, बहुत खून मांगता है किताब लिखना, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में बहुत ही ल्यूसिड टर्म्स में बुक्स लेकर आपके लिए आ रहा हूं, जो बहुत जल्दी सीरीज में आपको अवेलेबल होगी। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो परेशान नहीं होइएगा, जैसे ही बुक्स पब्लिश होंगी मैं आपको ज़रूर उनके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नई किताबों के बारे में चर्चा करते हुए। जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट वैदिक शिक्षा से, और प्यार देते रहिएगा। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।